ओम शांति। 17/8/2022 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें बेहद का समाचार सुनाते हैं। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम्हें 84 जन्मों की स्मृति में रहना है और सबको यह स्मृति दिलानी है। प्रश्न। शिव बाबा का पहला बच्चा ब्रह्मा को कहेंगे, विष्णु को नहीं, क्यों? उत्तर। क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं। अगर विष्णु को बच्चा कहें, अगर विष्णु को बच्चा कहें तो उनसे भी संप्रदाय पैदा होनी चाहिए, परंतु उनसे कोई संप्रदाय होती नहीं। विष्णु को कोई मम्मा बाबा भी नहीं कहेंगे। वह जब लक्ष्मी नारायण के रूप में महाराजा महारानी है तो उनको अपना बच्चा ही मम्मा बाबा कहते। ब्रह्मा से तो ब्राह्मण संप्रदाय पैदा होते हैं। गीत। तुम ही हो माता पिता। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि कोई गुरु गोसाई ऐसे नहीं कह सकते कि बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप बच्चों को क्या समझाएंगे? कौन सा बाप है यह तो सिर्फ तुम जानते हो, और कोई सत्संग में ऐसे कह नहीं सकते। भल बाबा, साईं, मैहर बाबा कहते हैं, परंतु वो लोग तो कुछ भी समझते नहीं जो बोले। तुम जानते हो यह बेहद का बाप है, बेहद का समाचार सुनाते हैं। एक होता है हद का समाचार, दूसरा होता है बेहद का समाचार। इस दुनिया में कोई जानते ही नहीं। बाप कहते हैं तुमको बेहद का समाचार सुनाते हैं तो तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। तुम जानते हो बरोबर बाप ने अपना परिचय दिया है, और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह भी यथार्थ रीति समझाया है। उसे समझकर हम औरों को समझाते हैं। बीज को परमपिता परमात्मा व बाप कहते हैं। हम हैं उनके बच्चे, आत्माएं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमपिता परमात्मा परम धाम में रहने वाले हैं। उन्होंने मूल वतन का समाचार समझाया है, कैसे यह सारी माला बनती है। पहले पहले बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूं और मैं परम धाम में रहता हूं। मुझे ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल कहते हैं। मैं आकर तुम आत्माओं को पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देता हूं। बच्चों की बुद्धि में यह फिरता रहता है, हम असल में कहाँ के रहने वाले हैं। हम सभी आत्माओं को भी पाठ बजाना है। पाठ का राज कोई भी समझ नहीं सकते हैं। सिर्फ कहते रहते हैं पुनर्जन्म लेंगे। आत्मा इतने जन्म लेती है, कोई 84 लाख जन्म कहते, कोई को समझाओ तो समझ जाते हैं कि 84 जन्म ठीक है। 84 जन्म कैसे लेते हैं यह बुद्धि में होना चाहिए। बरोबर हम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए हैं। अब फिर संगम पर हम सतो प्रधान बन रहे हैं। यह जरूर तुम बच्चों की बुद्धि में होगा, तब तो तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। यह बातें तो बड़ी सहज हैं, जो बुढ़िया भी समझ सकती हैं कि बरोबर हमने 84 जन्म लिए हैं, और कोई धर्म वाले मनुष्य नहीं लेते। यह भी समझाना होता है। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। ऊंचते ऊंच हैं शिव बाबा। यह अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ऐसे हम पुनर्जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म को तो जरूर मानना पड़े। अब तुमको अपने 84 जन्मों के पाठ की स्मृति आई है। बुढ़ियों के लिए भी यह समझानी बहुत सहज है। तुमको कोई किताब आदि पढ़ने की दरकार नहीं रहती। बाप ने समझाया है कि तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। तुम ही देवी देवता थे, फिर 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, 63 जन्म द्वापर कलयुग में लिए, और यह 1 जन्म है सबसे ऊंच। तो सहज समझते हो ना? कुरुक्षेत्र की बूढ़ी माताएं भी समझती
हो ना, कुरुक्षेत्र का नाम मशहूर है, वास्तव में यह सारा कर्म क्षेत्र है। वह कुरुक्षेत्र तो एक गांव है, यह सारा कर्म करने का क्षेत्र है। इसमें अभी लड़ाई आदि लगी नहीं है, तुम इस सारे कुरुक्षेत्र को जानते हो, बैठना तो एक जगह होता है। बाबा ने बतलाया है इस सारे कर्म क्षेत्र पर रावण का राज्य है, रावण को जलाते भी यहाँ है, रावण का जन्म भी यहाँ होता है, यहाँ भी शिव बाबा का जन्म होता है, यहाँ ही शिव बाबा का जन्म होता है, यहाँ ही देवी देवताएं थे, फिर वही पहले पहले वाम मार्ग में जाते हैं, बाबा भी यहाँ भारत में ही आते हैं, भारत की बड़ी महिमा है, बाप भी भारत में ही बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, राज्य करते थे, उनमें पहले नंबर लक्ष्मी नारायण विश्व पर राज्य करते थे, उसको 5000 वर्ष हुए, उनको विश्व महाराजन विश्व महारानी कहा जाता था, वहां कोई दूसरा धर्म तो है नहीं, तो जो भी राजाएं होंगे वो विश्व के महाराजन ही कहलाएंगे, फिर यह फलाने गांव का यह फलाने गांव का कहा जाता है। तुम जानते हो हम विश्व का राज्य लेते हैं, बाप ने समझाया है, तुम जमुना के किनारे राज्य करते हो, तो बुद्धि में यह याद रखना है कि 4 युग और 4 वर्ण हैं, पांचवा यह लीप युग है जिसको कोई जानते नहीं। मुख्य है ब्राह्मण धर्म, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्रह्मा कब आया? जरूर जब बाप सृष्टि रचेंगे तो पहले ब्राह्मण चाहिए, यह है डायरेक्ट ब्रह्मा की मुख वंशावली। ब्रह्मा है शिव बाबा का पहला बच्चा, क्या विष्णु को भी बच्चा कहेंगे? नहीं, अगर बच्चा हो तो उनसे भी संप्रदाय पैदा हो, परंतु उनसे तो संप्रदाय पैदा होती ही नहीं, ना उनको मम्मा बाबा कहेंगे, वह तो महाराजा महारानी को अपना ही एक बच्चा होता है। यह कर्म भूमि है, परमपिता परमात्मा को भी आकर कर्म करना पड़ता है, नहीं तो क्या आकर करते जो इतनी महिमा होती है। तुम देखते हो शिव जयंती भी गाई हुई है, भल शिव पुराण लिखा है परंतु उसमें कोई बात समझ में नहीं आती, मुख्य है ही गीता। तुम अच्छी रीति समझ गए हो कि कैसे शिव बाबा आते हैं, ब्रह्मा भी जरूर चाहिए। अब ब्रह्मा कहाँ से आया? सूक्ष्म वतन में तो संपूर्ण ब्रह्मा है, इस बात में ही लोग अटकते हैं। ब्रह्मा का कर्तव्य क्या है? सूक्ष्म वतन में रह क्या करते होंगे? बाप समझाते हैं, जब यह व्यक्त रूप में है तो इन द्वारा ज्ञान देता हूं, फिर यही ज्ञान लेते लेते फरिश्ता बन जाते हैं, वह है संपूर्ण रूप। वैसे मम्मा का भी है, तुम्हारा भी ऐसे ही संपूर्ण रूप बन जाता है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं सिर्फ इतना धारण करें कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह भी समझाया जाता है कि बाबा कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने भेज देते हैं, मुख से कुछ बोलते नहीं है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। ड्रामानुसार हर एक को अपने अपने समय पर आना है। तो बाप बैठ समझाते हैं कि सृष्टि के आदि में पहले पहले कौन थे, फिर अंत में कौन थे, अंत में सारी संप्रदाय जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाई हुई है। बाकी ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आता है। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं नई संप्रदाय की। परमपिता परमात्मा इस दैवी सृष्टि की रचना कैसे करते हैं यह तो तुम जानते हो, वह तो कृष्ण को समझ बैठे हैं। तुम जानते हो बाप ही पतित पावन है, अंत में ही आएंगे पावन बनाने, जो कल्प पहले पावन बने थे वही आएंगे, आकर ब्रह्मा के मुख वंशावली बनेंगे और पुरुषार्थ कर शिव बाबा से अपना वर्षा लेंगे। रचयिता नॉलेजफुल वह है ना, वर्षा बाप से ही मिल सकता है, दादा को भी उनसे मिलता है, उनकी ही महिमा गाई जाती है।
त्वमेव माता च पिता, बरोबर सच्चा सुख देने वाला वह है, यह भी तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती। जब रावण राज्य शुरू होता है तब ही दुख शुरू होता है, रावण बेसमझ बना देते हैं। बालक में जब तक विकारों की प्रवेशता नहीं है तो उनको महात्मा समान कहते हैं, जब बालिग होता है तब लौकिक संबंधी उनको दुख का रास्ता बतलाते हैं। पहला रास्ता बतलाते हैं कि तुमको शादी करनी है। लक्ष्मी नारायण और राम सीता ने क्या शादी नहीं की है, परंतु उन्हों को पता ही नहीं कि उन्हों का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, यह अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। वह तो पवित्र स्वर्ग के मालिक थे, हम तो पतित नरक के मालिक हैं। यह ख्याल बुद्धि में आता नहीं है। तुम भारत की महिमा सुनाते हो, क्या यह भूल गए हो भारत स्वर्ग था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पवित्र थे, तब तो अपवित्र उनके आगे जाकर माथा टेकते हैं। पतित पावन बाप ही पावन दुनिया की स्थापना करते हैं, बरोबर पावन भारत था, अभी तो मुख से कहते हैं हम पतित हैं। कोई लड़ाई आदि होगी तो यज्ञ रचेंगे शांति के लिए, मंत्र भी ऐसे जपते हैं, परंतु शांति का अर्थ समझते नहीं हैं। है भी बड़ा सहज, गॉडफादर कहते हैं तो बच्चे ठहरे ना, वह हम सबका बाप है तो ब्रदर्स ठहरे, बरोबर हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बहन भाई ठहरे। सतयुग में तो मुख वंशावली होती नहीं, सिर्फ संगम पर ही मुख वंशावली होने से बहन भाई कहलाते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर साधारण वृद्ध तन में प्रवेश करता हूँ, जिसका नाम फिर ब्रह्मा रखता हूँ, जो फिर ज्ञान को धारण करके अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा बनते हैं। है वही, दूसरी बात नहीं है, ब्राह्मण फिर वही देवता बनते हैं, चक्र लगाकर अंत में आकर शूद्र बनते हैं, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। बुढ़ियों के ऊपर भी ब्राह्मणियों को मेहनत करनी है, हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, यह तो समझ सकते हैं ना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे। सभी आत्माओं को कहते हैं मामिकम याद करो, शिव बाबा कहते हैं लक्की सितारे। हे सालीग्रामों, तुम आत्माओं की बुद्धि में यह ज्ञान डालते हैं, आत्मा सुनती है, परमात्मा बाप सुनाते हैं, ब्रह्मा मुख द्वारा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर मनुष्य ही होगा और बूढ़ा भी होगा, ब्रह्मा को भी हमेशा बूढ़ा दिखाते हैं, कृष्ण को छोटा समझते हैं, ब्रह्मा को कभी छोटा बच्चा नहीं कहेंगे, उनका छोटा रूप बनाते नहीं हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण का छोटा रूप नहीं दिखाते, वैसे ब्रह्मा का भी नहीं दिखाते। बाप खुद कहते हैं मैं वृद्ध तन में आता हूँ, तो तुम बच्चों को यही मंत्र सुनाते रहना है, तो तुम बच्चों को भी यही मंत्र सुनाते रहना है। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, शिव को ब्रह्मा को बाबा कहते हैं, शंकर को कभी बाबा नहीं कहते, वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं। तो यह भी बुद्धि में बिठाना है, आत्माओं का बाप अब परमपिता परमात्मा आए हैं, तो ऐसी ऐसी सहज बातें बुढ़ियों को समझानी चाहिए। बाबा प्रश्न पूछते हैं कि आगे तुमको क्या बनाया था, तो इतना तो कहें कि स्वदर्शन चक्रधारी बने थे। बाप को और चक्र को याद करने से तुम रूहानी विलायत में चले जाएंगे, वह फॉरेन तो दूर देश है ना, हम आत्माएं सब दूर देश में रहने वाली हैं। हमारा घर देखो कहाँ है, सूर्य चांद से भी पार, जहां कोई गम नहीं है। अभी तुम आत्माओं को घर की याद आई है, हम वहां अशरीरी रहते थे, शरीर नहीं था, यह खुशी होनी चाहिए। अभी हम अपने घर जाते हैं, बाप का घर सो अपना घर।
बाबा ने कहा है मुझे याद करो और अपने मुक्ति धाम को याद करो। साइंस घमंडी तो परमात्मा को बिल्कुल नहीं जानते हैं। बाप को तरस पड़ता है कि उन्हों के कानों में भी कुछ पड़ता रहे, तो शिव बाबा को याद करें, देह अभिमान टूट जाए। नर से नारायण बनने की यह सत्य कथा है। सच्चे बाप को याद करो तो सचखंड के मालिक बन जाएंगे। सच्चा बाबा ही स्वर्ग स्थापन करते हैं। कहते हैं और संग बुद्धि योग तोड़ो। सरकारी नौकरी 8 घंटा करते हो, उनसे भी यह बहुत ऊंची कमाई है। कहां भी जाओ बुद्धि से यह याद करते रहना है। तुम कर्म योगी हो, कितना सहज समझाते हैं। बुढ़ियों को देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि फिर भी हमारी हमजिंस है। मैं मालिक बनूं, हमजिंस ना बने तो यह भी ठीक नहीं। बाप है अविनाशी ज्ञान सर्जन। ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम्हारा अज्ञान दूर हो गया है, बुद्धि में ज्ञान आ गया है, सब कुछ जान गए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ऊंची कमाई करने के लिए बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक बाप से जोड़ना है। सच्चे बाप को याद कर सचखंड का मालिक बनना है। दूसरा, जैसे ब्रह्मा बाप ज्ञान को धारण कर संपूर्ण बनते हैं, ऐसे ही बाप समान संपूर्ण बनना है। वरदान, अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और निश्चिंत भव। निश्चय की निशानी है मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, हर बात में सहज विजयी। जहां निश्चय अटूट है वहां विजय की भावी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि ही सदा हर्षित और निश्चिंत रहेंगे। किसी भी बात में यह क्या क्यों कैसे कहना भी चिंता की निशानी है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा का स्लोगन है। जो हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। वह बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करेंगे। चिंता शब्द की भी अविद्या होगी। स्लोगन, सदा प्रसन्न चित्त रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ। अच्छा, ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। जाऊं इन लहरों को दामन में भर जाऊं।